मुरैना में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुरैना पुलिस लाइन ने लाइब्रेरी सेंटर खोली गई है। बुधवार को एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान एवं एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, जिसमें पुलिस कर्मी व उनके परिवार के 40 बच्चों से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। उद्घाटन अवसर पर एसपी ने पुलिस कर्मी के बच्चों से चर्चा करते हुए कहा कि लाइब्रेरी सेंटर में पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा। पढ़ाई के लिए जो किताबें चाहिए वह यह सब मिलेगी। सप्ताह में एक दिन विषय विशेष की कक्षाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र छात्राओं की मोटिवेशन के लिए विशेषज्ञ शामिल होंगे। लर्निंग पॉइंट से बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए किताबें दी जाएगी। इसके लिए केयर टेक भी तैनात किया जाएगा। इस अवसर पर RI कनक सिंह चौहान, सूबेदार हरेंद्र सिंह राजावत, गजेंद्र सिंह परमार आदि मौजूद रहे। ये जो है ये लर्निंग सेंटर है, ये माननीय DGP महोदय द्वारा एक प्रयास है जो सभी जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में सभी ज़िलों की जो पुलिस यूनिट्स हैं उसमें ये स्टार्ट किया गया है। ये मुख्य रूप से इसलिए स्टार्ट किया गया है जिसमें हमारे जो लाइन के बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं और आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सीखने के लिए मुख्य उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें लाइब्रेरी भी है, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन अगर उन लोगों को ई लर्निंग करनी है उसके लिए हम लोग अभी कंप्यूटर्स वगैरह भी इसमें सेटअप किए हैं। उसके साथ साथ अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी हमने यहाँ पे चीज़ें रखवाई हैं। इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर हम लोग यहाँ पे जो उनके काउंसलर्स हैं, कैरियर काउंसलर्स हैं, उनके भी सेशन यहाँ पे अरेंज करेंगे ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। 10वीं के बाद उनको क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर पूरा अरेंज करेंगे। और इसमें हम लोगों ने अभी प्रारंभिक तौर पर जो बेसिक बुक्स हैं उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से यहाँ पर अरेंज किया है और आप लोगों के माध्यम से हम आसपास के लोगों से भी ये अनुरोध करते हैं कि यदि उनके पास इस तरह की पुस्तकें हैं जिसको यदि वो यहाँ पे डोनेट करना चाहें इसको बेहतर बनाने के लिए, तो वो भी आगे आ सकते हैं और ऐसी बुक्स को डोनेट कर सकते हैं जिससे अन्य लोगों को, दूसरे बच्चों को उन बुक्स का फ़ायदा मिल सके। अभी प्रारंभिक रूप से तो ये पूरी सुविधा जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनी रहे। बाकी आने वाले समय में कोशिश मतलब देखते हैं क्या हो सकता है, बाकी अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।